हाय गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एयर टॉक्स में स्वागत है। आज मैं आपको 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल एयर टॉक्स को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को भी लाइक करिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 3 अप्रैल और ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल। और इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है उड़ीसा दिवस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोनी लुइस का निधन हुआ वो एक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए गायक, ऑप्शन नंबर बी कलाकार और ऑप्शन नंबर सी गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गणितज्ञ। और टोनी लुइस ने ही क्रिकेट में जो डकलुइस नियम है इन्होंने ही दिया था, तो इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन सी मिशन की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए सनराइज, ऑप्शन नंबर बी सनलाइट और ऑप्शन नंबर सी सन मिशन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सनराइज मिशन की घोषणा की है नासा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉब बिटन दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं वे किस देश के हैं? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन बी रसिया और ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 9 अप्रैल और ऑप्शन नंबर सी हमारा 11 अप्रैल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 7 अप्रैल। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी एडम फिंच और ऑप्शन सी बेन स्टॉक्स। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेन स्टॉक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा चैनल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए डीडी भारती, ऑप्शन नंबर बी डीडी रेट्रो और ऑप्शन नंबर सी डीडी उमा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डीडी रेट्रो। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 9 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 10 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल पेट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 11 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल और ऑप्शन नंबर सी 9 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पेट डे। हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू आर्म्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी केरल और ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक उन्हें दिया गया हीरो टू आर्म्स अवार्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 5 अप्रैल और ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए प्रज्ञान, ऑप्शन नंबर बी प्रज्ञाम और ऑप्शन सी आरोग्य सेतु। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आरोग्य सेतु। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस नाम से कोविड-19 के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा जीवन, ऑप्शन नंबर बी हमारा वामन और ऑप्शन नंबर सी हमारा धुंध। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवन। भारतीय रेलवे ने जीवन नाम से सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है कोविड-19 के पेशेंट का इलाज करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पैथोडिटेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जनजीवन और ऑप्शन नंबर सी उम्मीद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पैथोडिटेक्ट। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। धन्यवाद, थैंक यू।